इंजन के करंट पे ये तरीके से हाई लो, ये बैटरी के करंट पे हाई लो, ये डिपर और ये किल स्विच विद न्यूट्रल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम इस मिनी ग्रिप्स के साथ बहुत ही कमाल के जो फीचर्स है वो यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। ये जो मिनी ग्रिप्स है इसके तीन बटन होते हैं, तो मैंने उस हिसाब से तीन जो इसके बंडल्स है उसको मैंने धागे की मदद से यहाँ पर डिवाइड किया है ताकि आपको वायरिंग बहुत ईजिली समझ आ जाए। आज जो हम फंक्शन रखने वाले हैं वो क्या हो गए, सबसे पहले ये जो इसका पुश बटन होता है इसके साथ हम रखेंगे डिपर, हेडलाइट का जो डिपर होता है, ठीक है, इससे हम डिप करेंगे हमारी बाइक की हेडलाइट। और जो ये है ना, ये होगा हमारी बाइक का किल स्विच है, लेकिन किल स्विच वो वाला नहीं जो कि आम होता है। इसका जो कनेक्शन है वो हम करेंगे न्यूट्रल स्विच के साथ। जैसे कि आम बाइक्स होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपने किल स्विच किस तरीके से प्रेस किया तो आपके जो इंजन है वो ऑफ हो जाता है, बैटरी की जो चीज़ें वो चलती रहती हैं। आज हम वही चीज़ करेंगे, लेकिन हम करेंगे क्या कि अगर आपकी बाइक किसी गियर में ना हो तब आपका ये बटन दबाने पर इंजन ऑफ हो, ठीक है, अगर किसी गियर में होगा तब ये ऑफ नहीं होगी। यानी कि न्यूट्रल स्विच के साथ हम रखेंगे किल स्विच, जो कि एक स्पेशल जो फंक्शन है वो यहाँ पर होने वाला है। और ये बटन है ना, ये वैसे तो इन्होंने बनाया है इंडिकेटर्स के लिए, ठीक है, अगर आपको ये खराब हो जाए, लेकिन अगर आपको ये ठीक है तो हमने इसके साथ क्या करना है आज, इसमें दो फीचर आना, एक ये राइट और एक ये लेफ्ट। हमने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे इस तरह करने से हमारी जो बाइक है वो हेडलाइट है वो चले लो पे, और ये राइट पे करने पर चले हाई पे, किस पे, बैटरी करंट पे। यहाँ से आपकी जो हेडलाइट है वो ऐसे ऑन करेंगे ना तो ये तो चलेगी इंजन करंट पे इस तरीके से, यहाँ से ऑफ भी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए थोड़ी देर के लिए बैटरी करंट पे चले ताकि रोशनी ज़्यादा हो, फिर आपने थोड़ी देर के लिए जहाँ पर अंधेरा आ गया तो आपने इस साइड पर करना तो आपकी लो पे चलेगी बैटरी पे, इस साइड पर करेंगे तो आपकी हाई पे चलेगी। ये फंक्शन वैसे ही रहेगा, इस पर इंजन करंट पे और इस पर बैटरी करंट पे। अब इस वायरिंग को हम देख लेते हैं, टोटल सात वायर्स हो गए हैं दाताओं को, जो दो रेड होगी ना वो इस बटन के लिए होनी है, ये वाला बटन जो रेड है ऑन ऑफ वाला, ये दो जो वाइट है ये होगी पुश बटन के लिए, ये पुश वाला, और बाकी जो तीन है ना ये तीन है, ठीक है, ये होगी इस बटन के लिए, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है लेफ्ट भी राइट भी। चलिए अब हम इसकी वायरिंग जब करते हैं, तो फ्रेंड इसका लगाना बहुत ईजी होता है, मैंने वैसे पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है, एक मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको, मैं लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जो वायर्स हैं इसके साथ ही सात वायर, इनको मैं कहता हूँ हेडलाइट में, वही मैंने कहा बहुत सारी वीडियो बताया, हम मेन जो इसकी वायरिंग है वो करते हैं, ठीक है, लोगों को प्रॉब्लम आती है इसकी वायरिंग को लेकर। तो ये फ्रेंड मैं इसके वायर्स को अंदर ले आया हूँ हेडलाइट में, पहले हम इस बंडल को खोल रहे थे, ये हमारा है पुश बटन के लिए, ठीक है, बाकी दो भी बंद रहेंगे। अब फ्रेंड इनमें से कोई भी एक वायर आपने अटैच कर देनी है ब्लैक कलर के बाइक क्लिक के अंदर, और दूसरी जो वायर है ना कोई भी इन दोनों में से वो आपने अटैच कर देनी है ये ब्लू कलर के वायर के अंदर, ठीक है, हेडलाइट की। तो ये आपका डिपर बन जाएगा, एक ये इसके साथ ब्लू के साथ, पुश बटन की दो वायर्स थी, एक लग गई यहां पर ये इसके साथ ब्लू के साथ, और दूसरी हमारी लग गई बाइक में किसी ब्लैक कलर के पॉजिटिव ग्रिप के अंदर। पिछली कोई भी निकालता हूं, ये हमारा हो गया पुश यहां पर मुकम्मल। एक बंडल खोला था ये लग गया, ये इसकी हेडलाइट। अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखिए जैसे मैंने यहां पर स्विच ऑन किया और यहां से मैंने पुश बटन जो है वो प्रेस किया, मैं फोकस कर रहा हूं, ये देखिए जैसे पुश बटन प्रेस कर रहा हूं तो ये माई लाइट डिप हो रही है, ठीक है, ऐसे ये पुश करने पर डिप होती है। एक बंडल ये क्लियर हो गया, ये व्हाइट वाला हमने खोला था। अब हम खोलते हैं बंडल नंबर टू, जो कि ये ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको हमें रखना है किल स्विच विद न्यूट्रल, ठीक है, फिर बाद में हम खोलेंगे तीसरा बंडल। अभी दूसरा बंडल हम खोलते हैं, इसकी कोई भी एक वायर आपने अटैच कर देनी है आपकी बाइक में ब्लैक प्लस व्हाइट कलर की होनी है वायर, जो कि ये होती है, ये ब्लैक कलर की वायर होती है, लाइन होती है व्हाइट कलर की, इसके साथ आप अटैच कर देनी है। दूसरी वायर को आप अटैच कर देना है आपके बाइक में, ये क्लिप होगा एक क्लिप होगा, इसके अंदर एक वायर आ रही होनी है ग्रीन कलर की, ऊपर लाइन आ रही होगी रेड कलर की, ठीक है, उसके साथ आप अटैच कर देनी। तो फ्रेंड ये देखिए एक जो रेड थी वो लग गई इसके साथ, ये व्हाइट प्लस ब्लैक के साथ, इसको मैंने टेप कर दी क्योंकि ये जरा नाजुक सी वायर होती है, इसको टेप मैंने कर दिया। और इस दूसरी को आपने ये जो क्लिप होना है ना, इसमें न्यूट्रल की एक वायर हमें ढूंढनी है, न्यूट्रल इसमें ना ग्रीन दो होती है, एक वो यहाँ पर ढूंढनी है जिसके ऊपर लाइन आ रही होगी रेड कलर की। अब इसकी जिसके ऊपर लाइन आ रही है रेड कलर की वो कौन सी है, ये देखिए हल्के ग्रीन कलर की है और ऊपर लाइन आ रही है रेड कलर की, ये जा कहां पर, ये जा रही है ये यहां पर, ये हल्के इस रंग की, ये यहां पर इसके मिड पे, ठीक है, तो ये हमने यहां पर ऐसे जोड़ देनी है। ये देखिए यहाँ पर जुड़ गई, अब हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ स्विच ऑन किया, तो ये न्यूट्रल में बाइक, ठीक है, अब जैसे हम स्टार्ट करेंगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी,
क्योंकि अभी ये बटन दबा नहीं हुआ। बाइक ऑन होगी, ये देखिए ये न्यूट्रल में बंद होगी, ठीक है, लेकिन बैटरी का बाकी सारी चीजें चल रही है, इशारे सारे चल रहे हैं, हर चीज चल रही है। अब हम करते हैं इसको, बाइक मेरी है डबल स्टैंड पे, मैं लगाता हूँ इसको गियर पे। पहले हम बाइक स्टार्ट करते हैं, अभी चूंकि ये ऑन है इसको हम पहले ऑफ करते हैं। ये रखिए अब बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ये करने पर हमारी पहले बंद हुई थी इस पे न्यूट्रल पे, अब हम यहाँ पे लगाते हैं गियर। बाइक मेरी है स्टैंड पे, ये लगाया मैंने गियर, गियर पे ये रखिए, गियर पे नहीं बंद होगी, ठीक है, तो ये सिस्टम हमारा यहाँ पर ओके हो गया। तो फ्रेंड्स दो जो बंडल थे वो क्लियर हो गए, अब बचे हमारे पास यहाँ पर ये तीसरा बंडल, इसको भी हम खोलते हैं। अब इसमें देखिए ये तीन वायर्स हैं, इसमें जो एक है ना ये इसके मिड वाली होती है, ये जो ब्राउन कलर होगी ये इसकी मिड की होती है, इसको तो आपने लाजमी जोड़ना है ब्लैक कलर के, ताकि हमें पॉजिटिव हमारा जो ग्रिप का बटन है ना ऐसे से वाला उसमें आ जाए। फिर वहां से ये एक हम जोड़ेंगे ये हाई के साथ, इसको हम जोड़ देंगे ब्लू के साथ यानी कि हाई के साथ, और इसको हम जोड़ देंगे व्हाइट के साथ, ये जो व्हाइट आ रही है ना बाइक की अपनी, ये लो की, इसके साथ। मैं ये निकालता हूँ बाइक का क्लिप, कोई भी क्लिप हो ब्लैक कलर का वो निकालना है, पिछली कोई वायर निकाल के इसके साथ मर्ज करके हम यहाँ पर लगा देते हैं। तीसरे बंडल की जो हमारी एक वायर थी क्लियर होगी, अब इसमें से एक अपन जोड़ देनी है ये इसके साथ है, ब्लू के साथ, इन दोनों में से कोई भी एक, और एक अपन जोड़ देनी है व्हाइट के साथ। तो ये जो पिछली लगी है ये भी लगी रहे, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस हम यहाँ पर इसको मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर टच कर रहा हूँ, आप चाहे तो ज्यादा छील के इसको, क्योंकि स्टक होकर जाएगी अंदर, ये ऐसी ही ऐसे चलेगी, आप चाहे तो अच्छे से स्टक कर ले, ये पिछली भी लगी रही, इसको आप नहीं छेड़ना, भूलना नहीं आ रहा, ये भी लगी रही क्योंकि डिपर की थी। बस हमने तीसरे बंडल से क्या किया, तीसरे बंडल से हमने ये किया, तीसरे बंडल की तीन थी ब्राउन हमने जोड़ दी यहाँ पर बाइक में ब्लैक क्लिप अंदर, और बाकी जो दो थी उनमें से कोई भी एक ये हेलमेट के हाई पॉइंट के साथ और दूसरी लो के साथ, यानी कि ब्लू और वाइट। अब ये देखिए मैं इस तरीके से, ये हमारी आखिरी वायर है और हमारा यहाँ पर काम खत्म, हेडलाइट बंद और टेस्टिंग शुरू। चलो भाई सारी वायर्स लग गए, इधर चेक कर ले कोई रह तो नहीं गई, चलिए अब इसको बंद करना है आपने। अब दो जिसका स्क्रू है वो लगा देना है, बहुत सारी वीडियो बताया, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो पहले ये हमारा डिपर था, ठीक है, ये देखिए डिपर, और दूसरे हमारा किल स्विच था, ये भी मैंने चेक करा दिया, दोबारा चेक करा दूंगा, और ये हमारा जो ये देखिए लेफ्ट पे अगर हम करेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट पर चली हेडलाइट, ये यहाँ पर गौर से देखिए, ये देखिए ये हमारा लो पे चली हाई पे, और ये लो पे, हाँ इधर लो पे हुई है और इधर हाई पे, ठीक है, ये देखिए ये देखिए ये हाई पे और इधर करने पर लो पर, और नॉर्मल बाइक की जो हेडलाइट है वो ऐसे चलेगी। अगर आप ये आपने तब यूज करना है जब आपका अंधेरा काफी ज्यादा है और आपने वक्ती तौर पर यूज करना 10 मिनट के लिए, अगर आप इसको आधे घंटे के लिए यूज करेंगे या 20 मिनट के लिए यूज करेंगे तो उससे फिर आपके बाइक की जो बैटरी है वो लो हो जाएगी। नॉर्मल आपने हेडलाइट अपने यहीं से ऑन करनी है जो इंजन कार पे चले, डिपर आप यहां से आराम से मार सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कहीं अंधेरा आ गया आपने इस तरीके से यूज कर लेना, अगर आपको हाई पे चाहिए ऐसे, लो पे चाहिए ऐसे, वक्ती तौर पर। ठीक है, ये भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।